और अगले दिन शॉपिंग करने के लिए जब पूजा पैसे देखती है तो अपनी जगह पर पैसे न देखकर वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, मैंने यही तो पैसे रखे थे, कहाँ चले गए सारे पैसे? अब मैं कैसे अपनी तीनों नंद की शादी करूंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपनी तीनों नंद को अपनी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी, अब मैं कैसे अपनी नंद की शादी करूंगी, उनके लिए लहंगा लाऊंगी। अरे नेहा, कविता, शीला, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और तुम तीनों ऐसे उदास होकर बैठ गई। भाभी कैसी खुशी, हम तीनों की शादी एक साथ है, आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? अरे तुम तीनों बेकार ही टेंशन ले रही हो, अभी तुम तीनों की शादी को पूरा एक साल है और लड़के वाले भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम सब फिक्र मत करो। पूजा अपनी तीनों नंद को तो तसल्ली दे देती है, पर वो मन ही मन इसी सोच में थी कि कैसे पैसे जोड़े। अब इसी तरह जब पूरा परिवार सो जाता है तो पूजा कॉपी पेन लेकर बैठ जाती है और अपनी तीनों नंद की शादी का हिसाब करने लगती है। लड़के वालों को दहेज नहीं देना, पर बाराती का खर्चा, खाने का इंतजाम, तीनों नंद के लिए शादी की शॉपिंग, शादी का सामान, चूड़ी, लहंगा, कपड़े, मेकअप, इन सबको लेने में और शादी के बाकी खर्चों को पूरा करने में पूरा 1 लाख लग जाएगा। और मेरे पास तो अभी सिर्फ 5 हजार है, इसका मतलब 95 हजार मुझे अब भी जोड़ने हैं। पूजा एक एक पैसों का हिसाब करके सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करने के लिए कोठी में जाती है। मालकिन, मेरी तीनों नंद की शादी है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए कल से मैं 8 बजे बगल वाले के घर में बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। 1 घंटे में मेरे घर का काम कर लोगी? हाँ मालकिन, मैं सब कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कर दोगी तो फिर चली जाना मुझे क्या। इस तरह पूजा सुबह से लेकर दोपहर तक अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाने का काम करती है और दोपहर को अपने घर जाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अरे पूजा बहू, मेरा ब्लाउज तैयार हुआ या नहीं? हाँ आंटी जी, हो गया। अच्छा, अब मैं ब्लाउज के साथ सूट और लहंगा भी बना रही हूँ, अगर किसी को सिलवाना हो तो बता दीजिएगा। क्या बात है, अब तू इतनी सारी सिलाई करेगी, पहले तो नहीं करती थी। वो आंटी जी, कुछ महीनों बाद मेरी तीनों नंद की शादी है, उन्हीं की शादी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। भाभी हो तो तेरे जैसी हो, जो अपनी तीनों नंद की शादी के लिए दिन रात एक कर रही है। और उस निकम्मे रवि को देखो, उसे तो अपनी तीनों बहनों की शादी की जरा भी चिंता नहीं है। तू अपने पति को कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या ही बोलूं उनसे आंटी जी, मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। अब तो वो घर भी बहुत कमाते हैं, अब तो मुझे ही सब करना है। जब से पूजा की तीनों नंद का रिश्ता लगा था तब से पूजा दुगनी मेहनत करने लगती है। अब पूजा दोपहर से शाम सिलाई करके शाम के 6 बजे एक फैक्ट्री में जाती है, जहां वो मशीन पर बैठकर कुछ कपड़ों की कटिंग करती है और रात को 9 बजे घर आती है। भाभी, आप हम तीनों की शादी के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, एक एक पैसे जोड़ रही हैं। हाँ भाभी, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप हमारी वजह से अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रही हैं, आराम करना तो आप भूल ही गई हैं। शीला, कविता, नेहा, फिर तुम तीनों वही बातें लेकर बैठ गई हो। अरे तुम तीनों मेरी जिम्मेदारियां हो, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारी शादी करनी ही है और मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रही हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी तीनों नंद के साथ बैठकर खाना खाती है और जैसी दोबारा सुई धागा लेकर बैठती है कि तभी वहाँ रवि आ जाता है। पूजा, आजकल तुम ज्यादा ही पैसे कमा रही हो, क्या 3-4 हजार रुपए दे सकती हो मुझे? क्या करोगे 3-4 हजार रुपए का, खुद तो काम करते नहीं हूँ, तीनों बहन की शादी सर पर आ रखी है और तुम हो कि मेरी कमाई उड़ाने में लगे पड़े हो। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, भाभी अब आपको 1 रुपए नहीं देंगी, अब आपको खुद काम करना होगा। क्या बात है, तीनों नंद भाभी में बहुत प्यार है, जब मैं पैसे जीत कर लाता हूँ तब तो मैं से कोई नहीं बोलता कि भैया ने हमें पैसे दिए। कौन से पैसे की बात कर रहे हो भैया आप, जब आप जुए में 10 हजार रुपए हारते हो तब कभी 1 हजार रुपए जीतते हो, और वो भी आप हमें देकर हमसे वापस ले भी लेते हो, मुझे शर्म आती है आपको अपना भैया बोलते हुए। अपनी तीनों बहनों की बातें सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है और वो खाना फेंक कर वहां से चला जाता है। रवि की ऐसी हरकतें देखकर पूजा और उसकी तीनों नंद बहुत दुखी हो जाती हैं। क्या करूं मैं इनका, शादी को अब बस 1 महीना रह रहा है और इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। भाभी आप रहने दो, भैया से कोई उम्मीद मत रखो, मैं तो कहती हूँ कि सारे पैसे छुपा कर रख लो, वरना भैया ये पैसे भी जुए में उड़ा देंगे। उस दिन पूजा सारे पैसे छुपा कर रख लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूजा की सैलरी मिलती है। सैलरी देख पूजा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी तीनों नंद के साथ बैठकर पैसे गिनती है। मेरे पास 15 हजार रुपए हैं और तुम तीनों के पास? मेरे पास 25 हजार रुपए हैं भाभी, मैंने भी ये पैसे गिन लिए हैं, पूरे 25 हजार हैं। भाभी
मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं तो कहती हूँ कि कल से शादी की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। सही कह रही हो तुम तीनों, शादी का दिन पास आ गया है, टोटल 75,000 रुपए हो चुके हैं, बाकी के पैसे मैं इस महीने जमा कर ही लूंगी। इस बात से अनजान पूजा और उसके नंद की रवि बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है। वो तीनों नंद अपनी भाभी के साथ पैसे गिन रही होती हैं और जैसे ही रवि अंदर आता है तो वो तीनों अपने अपने पैसे छुपा लेती हैं। कोई बिस्तर के नीचे रख देती है तो पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा लेती है। क्या बात है, आज तीनों नंद भाभी एक साथ बैठी है, आज तो मुझे 1,000 रुपए मिल सकते हैं, या वो भी नहीं दोगी? माफ करना पर हमारे पास पैसे नहीं है। भैया हम तीनों से तो कोई उम्मीद भी मत रखना, हम तो खुद ही बेरोजगार हैं। उन तीनों की बात सुनकर रवि मुंह बनाकर घर से बाहर जाता है और खुद से कहता है, इतने सारे हाथ में पैसे लेकर बैठी है और मुझसे झूठ कह रही है कि पैसे नहीं है। पर कोई बात नहीं, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं आज रात को ही सारे पैसे चोरी कर लूंगा। रवि गुस्से में घर से तो निकल जाता है। रात को वापस आता है और जब सब सो रहे होते हैं तो वो सारे पैसे चोरी कर लेता है। और अगले दिन शॉपिंग करने के लिए जब पूजा पैसे देखती है तो अपनी जगह पर पैसे न देख कर वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, मैंने यही तो पैसे रखे थे, कहाँ चले गए सारे पैसे, अब मैं कैसे अपनी तीनों नंद की शादी करूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपनी तीनों नंद को अपनी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी, अब मैं कैसे अपनी नंद की शादी करूंगी, उनके लिए लहंगा लाऊंगी। भाभी हो ना हो ये सब कुछ भैया ने ही किया है। कविता तुम इस बारे में नेहा और शीला को कुछ मत बताना, मैं कुछ करती हूँ। पैसे न देखकर पूजा पूरी तरह से टूट जाती है और उसी वक्त एक औरत पूजा के पास आती है और उसे 1,000 रुपए देते हुए उससे कहती है, ये लो पूजा बहन तुम्हारे पूरे 1,000 रुपए, अब तुम्हारा और मेरा हिसाब पूरा हुआ। वो औरत पैसे देकर चली जाती है पर पूजा को उन पैसों की खुशी नहीं होती और वो बैठकर रोने लगती है। और कविता अपनी भाभी को संभालने की कोशिश करती है पर तभी पूजा की नजर अपनी एक पड़ोसन पर पड़ती है जिसने बहुत अच्छा सूट पहना होता है और वो किसी से बात कर रही होती है। देख रही हो आंटी, मेरा सूट सिर्फ 200 रुपए का कपड़ा है और मैंने इसको इतने अच्छे से सिलवाया है कि मेरे सूट के सामने सभी के महंगे कपड़े फेल हैं। क्या तुम सच कह रही हो, ये कपड़ा सिर्फ 200 रुपए का है? क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने इतना सस्ता कपड़ा कहाँ से लिया? अरे भाभी अपनी पटरी मार्केट लगती है ना, बस वहीं से लिया, वहाँ सारा सामान बहुत सस्ता मिलता है, आप वहाँ से कपड़े लेकर अपने लिए सूट तो क्या लहंगे भी बना सकती हो। उस लड़की की बात सुनकर पूजा को आइडिया आता है और वो 1,000 रुपए लेकर मार्केट जाती है और अलग अलग दुकान पर जाकर कपड़े, गोटा, लटकन, डोरी आदि का रेट पता करती है। भैया मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं, मुझे 1,000 रुपए में ही सारा सामान लेना है, आप मुझे सस्ते से सस्ता कपड़ा दिखाओ। ये लो बहन, ये कपड़ा आपको 50 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। 50 रुपए किलो, 200-300 रुपए तक तो कपड़ा आ जाएगा और बाकी बचे पैसों से धागा, सुई, गोटा, लटकन, नेट और चुन्नी का कपड़ा ले लेती हूँ। पूजा 1,000 रुपए में सारे सामान लेकर घर आती है। 1,000 रुपए में सारा सामान तो लेकर आ गई पर अभी भी थोड़े से कपड़े कम पड़ रहे हैं। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो कतरन बची है उससे फूल बना लेती हूँ और चुन्नी पर लगा देती हूँ। अब शादी को सिर्फ एक हफ्ता बचा था इसलिए पूजा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाती है और सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी तीनों नंद के लिए लहंगे सिलती है। और जब पूजा की तीनों नंद अपनी भाभी के हाथों का बनाया लहंगा शादी में पहनती है तो उसे देखकर सब तारीफ करते हैं। अरे पूजा तुमने तो बहुत अच्छा लहंगा बनाया, बिल्कुल मनीष मल्होत्रा की तरह। अरे मैं तो कहती हूँ जैसे वह रेंट पर लहंगा देता है वैसे ही तुम भी ऐसे लहंगे बनाकर रेंट पर दे दो। भाभी मैं जानती हूँ भैया ने वो पैसे चोरी कर लिए थे, इसलिए आपने सिर्फ 1,000 रुपए से हम तीनों बहन के लिए लहंगा बनाया है, इसलिए इस लहंगे पर सिर्फ आपका हक है। शादी के बाद आप इस लहंगे को किराए पर देना और मैं तो कहती हूँ भैया से अलग हो जाओ वरना वो इसी तरह से आपके पैसे चोरी कर जुआ खेलते रहेंगे। कुछ देर बाद पूजा की तीनों नंद की शादी हो जाती है और वो तीनों अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद पूजा भी अपने पति से अलग हो जाती है और अकेले रहकर इसी तरह से सस्ते कपड़े लाकर अच्छे अच्छे लहंगे बनाकर उन्हें किराए पर देना शुरू कर देती है। कहानी की भाभी ने तो 1,000 में 3 ब्राइडल लहंगे बना दिए। वैसे आपके ब्राइडल ड्रेस का कितना प्राइस था, कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।